यार उसकी स्किन तो बहुत ज्यादा चमक रही है, उसके सारे डार्क स्पॉट्स भी खत्म हो गए। मैं भी आज से ना ये लेमन यूज करना स्टार्ट करूंगी, आज से रोज मुझे लेमन लगाना है अपने फेस पे, ताकि मेरे भी जो डार्क स्पॉट्स है ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये है सबसे बड़ी गलती जो हम देख के करते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, कहीं से सुनते हो, कुछ देखते हो और सीधा अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। एज अ रिजल्ट बहुत सारे केसेस में वो आपको सूट कर जाता है, लेकिन कई केसेस में वो आपकी स्किन को और ज्यादा डैमेज कर जाता है। और फिर आपको आता है कि अरे मेरे तो पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो गए, अरे ये क्या हुआ, मेरी तो स्किन छिल गई है, रेडनेस आ गए, रेड बम्प्स आ गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि आपने एक ऐसी चीज को यूज किया जिसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपने एक ऐसी चीज को अपने स्किन पे यूज किया बिना ये जाने कि क्या वो जो चीज जो आप यूज कर रहे हो आपकी स्किन के लिए बनी भी है या नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि लेमन को हमें अप्लाई करना है या एड करना है अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में। नो डाउट बहुत अच्छा है, स्किन को ब्राइटन करता है, डलनेस को रिड्यूस करता है, एक्ने स्पॉट्स को आप काफी हद तक रिड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ये इसका एक साइड है, दूसरे साइड ही आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकते हैं, आपकी स्किन पे मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज के बजाय डिक्रीज भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कि हमारी स्किन का टाइप क्या है, क्या वो हमारे स्किन पे सुटेबल है या नहीं। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है, सुपर सेंसिटिव है, देन यू डोंट हैव टू टेक अ रिस्क ऑफ अप्लाइंग अ लेमन डायरेक्टली टू योर फेस। इनफैक्ट अगर आप DIYs में यूज कर रहे हो, सो मेक श्योर कि बहुत कम ड्रॉप्स डालने हैं, वो भी डायल्यूट करना है आपको किसी ना किसी चीज के साथ, चाहे कोकोनट ऑयल है, चाहे हनी है, किसी भी चीज के साथ आपको डाइल्यूट करके ही उसको डालना है एंड यूज करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि कब कब हमें लेमन को अप्लाई नहीं करना है अपने फेस पे। नंबर वन, अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सुपर ड्राई और सुपर सेंसिटिव स्किन है, तो आपको लेमन को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। नंबर टू, अगर आपको बाहर जाना है, किसी काम से बाहर जाना है, या छुट्टियां में आप कहीं वेकेशन में जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी अपने फेस पे विटामिन सी या लेमन वगैरह को अप्लाई नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है, ना डाइल्यूट करके अप्लाई करना है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कैसे भी अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके फेस पे विटामिन सी एड है और फिर आप बाहर जाओगे ना, तो यूवी रेज से जो आपकी स्किन डैमेज होने वाली है, जो सनबर्न होने वाला है, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा होगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेमेडी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।